कुर्बान में वक्त कम दाम जायद, जानवरों की खरीदारी का मुश्किल टास्क, मवेशी मंडियों में शहरियों का रश, खूब गहमा गहमी, शहरी सस्ते जानवरों की तलाश में तो व्यापारी अपने जानवर महंगे दामों बेचने के खाहां, ग्राहकों और व्यापारियों में रेट पर तकरार, छोटी और बड़ी मंडियों में खूबसूरत जानवर तवज्जो के मरकज। लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद का DHA फेस 9 की मवेशी मंडी का दौरा, व्यापारियों से सहूलियात से मुतालिक दरियाफ्त किया, कहते हैं मंडियों में टैंक्स, पानी की फराहमी, वेटनरी कैंप्स और खुरलियों जैसी सहूलियात फराहम की गई हैं। घरों के बाहर और गलियों में कुर्बानी के जानवरों की रौनकें, बच्चे और बड़े जानवरों के नखरे उठाने और खातिर तवाज़ों में मसरूफ, कोई चारा लेने के लिए पहुंचा तो कोई जानवरों के बनाव सिंघार में मगन। सर आप जनाब, ये हैं शहर के कसाब, बुकिंग बंद, शहरियों के मिन्नत समाजत, अनाड़ी भी खिलाड़ी बन गए। ईद के पहले रोज बकरे का रेट 5,000 और गाय का 10,000 रुपये मुकर्रर, चारा बेचने वालों का भी कारोबार खूब चमक उठा। गली गली में चाकू छुरियां तेज करने वालों के डेरे, शहरियों के फेरों पर फेरे, चाकू छुरियां तेज करने वालों के रेट भी तेज, चाकू बुगदे और छुरी की धार तीखी चाहिए तो दाम भी तीखे। मसाला जात महंगे, टमाटर, लीमू, अदरक और लहसुन की कीमतें दोगुना, घरों में रोस्ट और नमकीन पकवान की तैयारियां, सीख कबाब, कड़ाही गोश्त, टिक्का बोटी और कलेजी भूनने के इंतजामात, गर्म मसाला जात की खरीदारी बाजारों में राम रोस्ट के लिए एडवांस बुकिंग बंद। ईद कुर्बान मुर्गी का गोश्त भी महंगा, एक ही दिन में ब्रायलर के गोश्त की कीमत में 22 रुपए प्रति किलो इजाफा, कीमत 162 रुपए तक जा पहुंची। ईद की खुशियां अपनों में ही होती हैं दोबाला, परदेशियों की घरों को वापसी, रेलवे स्टेशन और लारी अड्डों पर मुसाफिरों का रश, बसें कम मुसाफिर जायद, टिकटें भी नायाब, ट्रांसपोर्टर्स ने मनमाने किराए वसूल करके खूब कमाई की, डीसी अनवारुल हक का लारी अड्डा बादामी बाग का दौरा, ओवरचार्जिंग पर जुर्माने। अजहा कल मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जाएगी, शहरी सुन्नत इब्राहिम की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी करेंगे, बादशाही मस्जिद, दाता दरबार, बहरिया टाउन, जामे मस्जिद और मंसूरा समेत मसाजिद और पार्क्स में बड़े बड़े इज्तमात होंगे, मॉडल टाउन सेंट्रल पार्क में ईद की नमाज 7:30 बजे अदा की जाएगी। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां, बाजारों में खवातीन का रश, ज्वेलरी, हैंडबैग्स और चूड़ियों की खरीदारी, बच्चे और बड़े अपने मनपसंद खरीदारी में मसरूफ। फाउंटेन हाउस के बासी भी ईद उल अज़हा मनाने के लिए पुरजोश, खसूसी अफराद नए कपड़े और तहफ मिलने पर निहाल, मुखय्यर हजरात ने कुर्बानी के जानवर फाउंटेन हाउस पहुंचा दिए। सदारती इंतखाब, खुर्शीद शाह और रजा रबानी की नून लीगी वक्त से अहम बैठक,
मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार एतजाज अहसन की हमायत का उसूली फैसला कर लिया। चंद लीगी रहनुमाओं की मुखालिफत। ईद के बाद अपोजिशन जमातों के इजलास में भी एतजाज अहसन की हमायत के ऐलान का कौमी इम्कान। सीनियर वजीर के लिए अब्दुल अलीम खान और मियां महमूद रशीद में सर्द जंग। पंजाब काबीना की तश्कील लटक गई। लाहौर के कितने अरकान असम्बली को वजारतें देनी हैं? वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार की कप्तान से मुशावरत। छप्पन कंपनी स्कैंडल में शहबाज शरीफ की नैब में पेशी। लाहौर न्यूज अंदरूनी कहानी सामने ले आया। शहबाज शरीफ ने मलबा साबका ब्यूरोक्रेसी और बोर्ड्स पर डाल दिया। आपके अहकाम पर कंपनीज में गैर कानूनी इकदाम हुए। नैब का सवाल, कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया जिससे खजाने को नुकसान पहुंचा हो। शहबाज शरीफ, आप पर आशाना इकबाल का ठेका मंसूख करने का इल्जाम है। नैब हुकाम, सेक्रेटरी ने ठेका मंसूख करने की समरी दी। साबिक वजीर आला का जवाब। कितनी बदकिस्मती है इस कौम कि वो जाली वजीर आजम जो है, जाली मैंडेट का हमल वजीर आजम, जो वोट चोर वजीर आजम है, वो अभी तक कंटेनर से नहीं उतरा और कौम से खताब जो है वो भी उसने जो है वो कंटेनर से चढ़ के किया। शरीफ फैमिली का नाम ECL में डालने पर नून लीग के इमरान खान पर लफ्जी बाउंसर राणा सनाउल्ला कहते हैं। काबीना को मुशर्रफ याद नहीं। नवाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया। जाली मैंडेट के हामिल वजीर आजम को नहीं मानते। एहतजाज ऑपोजिशन का हक है। इमरान खान जहनी तौर पर अभी कंटेनर से नहीं उतरे। इमरान खान ने कौम से खिताब भी कंटेनर पर चढ़कर किया। जब उठे हैं अर्थ उठाने के लिए तो एकदम ऐसे उन्होंने किया, लोग समझे कि शायद पता नहीं पिस्तौल निकाल के सदर साहब पे हमलावर हो जाए। वो बाद में पता चला जब उन्होंने निकाला ऐसे ऐसे करके ऐनक निकाला। ऐनक अगर लगानी है तो तुम ऐनक जो है वो अपनी शेरवानी की जो है वो प्रॉपर्टी रखो। राणा सनाउल्ला ने इमरान खान की तकरीब हल्फ बर्दारी को भी आड़े हाथों लिया। बोले, इमरान खान ने हल्फ उठाने के लिए जेब में हाथ डाला, ऐसा लगा पिस्टल निकालने लगे हैं। बाद में पता चला कि जेब में ऐनक है। ऐसे शख्स को वजीर आला बना दिया जिसको कुछ पता नहीं। लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ की जेर सदारत मॉडल टाउन में अहम इजलास। जो काम नहीं करेगा वो पंजाब में नहीं रहेगा। जुबानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा। तब्दीली सबको नजर आएगी। मेरिट, गुड गवर्नेंस और कानून की हुक्मरानी होगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार की जेर सदारत पहला इजलास। अमन अमान की सूरत हाल और ईद पर सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा। अजहा की छुट्टियां, शहर के तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स बंद। मेट्रो ऑरेंज ट्रेन, स्टेबलिंग यार्ड और डेरा गुजरा डिपो पर तामीराती काम बंद कर दिया गया। अमला छुट्टियां गुजारने घरों को रवाना। ईद की खुशियां दोबाला करने में मौसम ने भी हिस्सा डाल दिया। शहर में बादल जम कर बरसे। मॉडल टाउन, गुलबर्ग, कैनाल रोड, बजांग, शाहदरा, एबट रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गर्मा गर्म खाबों के साथ ईद कुछ ठंडी ही गुजरेगी। नवाकोट के इलाके से तीन बच्चों के अगवा का ड्रॉप सीन। अगवाकार बच्चों के रिश्तेदार ही निकले। नवाकोट इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों बच्चों को बाजियाब करा लिया। बड़ी ईद पर डाकुओं की भी बड़ी ईदी मुहिम। कौमी पहलवान मारूफ मालू के घर डकैती की वारदात।
डाकू गोल्ड मेडल्स, 80 तोले चांदी और 2.5 लाख मालियत का सामान ले उड़े। मालू पहलवान का कहना है कि थाने के चक्कर लगा रहा हूं, पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। बड़ी पर नरगिस का बड़ा ऐलान, स्टेज अदाकारा ने शोबिस से तौबा कर ली। लाहौर न्यूज के प्रोग्राम मेहमान खास में शोबिस को अलविदा कह दिया, कहती है मेरे खानदान से अगर कोई शोबिस में आया तो बायकॉट कर दूंगी। ये आदमी जब जब तुम लोगों की जिंदगी में आया ना, एंड ही नहुसत हुई है कोई। ईद पर सजेगा फुल टाइम म्यूजिक और मौज मस्ती का मेला, एक साथ 3 फिल्में बनेंगी। सिनेमा घरों की रौनक, जवानी फिर नहीं आनी 2, लोड वेडिंग और परवाज है जुनून मचाएंगे धूम। शायकीन को भी है बेताबी से इंतजार। और एक और फिल्म पर्दा स्क्रीन पर आने के लिए तैयार, लॉलीवुड फिल्म जुगनू का ट्रेलर जारी। फिल्म की कहानी अरीब अली और अली अब्बास नकवी ने लिखी है।